कि मेरे मार्कशीट आ जाए, वरना जो है ना दोबारा से मुझे मैट्रिक करनी पड़ेगी दोबारा से। अच्छा, ये बंदा वही है जिसका पिछली बार बाप चेंज कर दिया था। दोबारा का मंडे में इसका ब्लॉग बनाएंगे, अभी मैं थोड़ा जा रहा हूँ। ये मादर Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो यार आज का ब्लॉग जो है ना थोड़ा मतलब खास होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग के दो टॉपिक हैं। एक जो है अपने बैंक अकाउंट जो है ना बैंक जाऊंगा, वहां से अपना एटीएम उठाऊंगा। उसके बाद एक शख्सियत हैं जिनके साथ आपको मिलवाने जा रहा हूँ। मेरे एक ब्लॉग में उनका टाइटल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। जिन जिन्होंने मेरा वो ब्लॉग देखा वो समझ आएगा, नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, जाओ और जाके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग का दो काम होने वाले हैं। तो चलते हैं बाहर, चल के फिर बातें करते हैं। यार अभी बैंक के बजाय मैं किसी और जगह पे आ गया हूँ, पीछे यहाँ पर, और ये है बोर्ड ऑफिस। ठीक है, अब यहाँ पर किस वजह से आया हूँ, और जो बंदा था उससे भी आपको मिलवाता हूँ। तो वो आगे जा रहा है, ये रहा, बोल रहा है तेरी माँ की कसम मैं वीडियो में नहीं आऊंगा। तो अंदर जाता हूँ, अंदर शायद कैमरा वगैरह अलाउ ना हो। पहले अंदर जाता, अंदर जाके क्या सीन होता है, कितना हरामी है ये। अब उन लोगों ने बोला भाई मास्क के बगैर एंट्री नहीं है। तो हरामखोर को मैंने बोला यार मास्क है तेरे पास, बोल रहा है कौन है तू, इतना हरामी दोस्त। तो अंदर गया वो, ऐसे मेरा काम यहाँ पर नहीं, मेरा काम कहीं और है। अच्छा, ये बंदा वही है जिसका पिछली बार बाप चेंज कर दिया था। अच्छा, अभी मैंने साजिद को भेज दिया है पुराने स्कूल, उसका थोड़ा मतलब एप्लीकेशन का वगैरह का सीन था। अभी मुझे जो है जाना है अभी स्कूल अपने फॉर्म भरवाने, मतलब बड़े सालों के बाद मुझे अपनी पढ़ाई का एहसास हुआ है। तो ये था कि अभी मुझे अपने फॉर्म भरवाना, मुझे कुछ याद नहीं है क्या सीन हुआ, फॉर्म भरवाया नहीं भरवाया, पिछले लॉकडाउन में क्या सीन था ना, मैंने स्लिप वगैरह कुछ भी नहीं लिए। अब मुझे मार्कशीट निकलवानी है जिसमें हम प्रमोट हुए थे, मार्कशीट निकलवाने के बाद दोबारा से मुझे फॉर्म भरवाने, उसके बाद अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू करने, डेली नहीं जाऊंगा, पर ये बस बैकग्राउंड में पढ़ाई चलती रही, काम के साथ मतलब काम भी चलता रहेगा। यार तो अभी जहाँ से मुझे मार्कशीट उठानी थी, पीछे भाई यहाँ पर लगा हुआ है ताला, अब मतलब कल आना पड़ेगा मुझे। सर जो है वो जा चुके हैं, कल आना पड़ेगा। कल आने के बाद जो है सीन बनाया, अभी कोई भी यहाँ पर निकल के देता। यार अपना काम तो नहीं हुआ, वो इस वजह से क्योंकि इतने साल हम खामोश थे, चुप थे, तो इस वजह से हमें क्या हुआ कि मतलब कुछ पता नहीं, याद भी नहीं है कि, अब ये याद है कि मैंने फॉर्म भरवाए थे, अब उस फॉर्म के मेरे पास कोई भी रिसिप्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह करे कि मेरे मार्कशीट आ जाए, वरना जो है ना दोबारा से मुझे मैट्रिक करनी पड़ेगी दोबारा से, क्योंकि मेरे अराउंड 3 साल मेरे ज़ाया हो चुके हैं वेस्ट। सर से रब्ता करना पड़ेगा। अब ये कि सर थोड़ा मतलब घमंडी टाइप का है, वो मतलब काम सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रेडी भी होंगी ना, उसके बाद भी सर बोलता है नहीं, मतलब ये चीज़ कम पड़ रही है, मतलब पुलिस वालों का सीन है यहाँ पर। तो इस वजह से कल आएंगे, कल आने के बाद जो है ना सीन देखेंगे। अभी यहाँ पर साजिद आएंगे, साजिद आने के बाद फिर वहाँ पर जाएंगे हम बोर्ड ऑफिस, बोर्ड ऑफिस जाने के बाद साजिद का काम करवाएंगे, बैंक में जाने के बाद वहाँ से हम अपना कलेक्ट करेंगे अपना क्या बोलते हैं उसको एटीएम कार्ड, उसको एक्टिव करेंगे, एक्टिव करने के बाद वापस काम पर। यार इतनी बड़ी बकचोदी हो गई हमारे साथ, वो ये कि हर जगह से लोगों ने रास्ते कर दिए हैं बंद, और उसके बाद जो है ना पंप था एक वहाँ पर, आई थिंक मैं आपको दिखा रहा हूँ चल के वहाँ पर, तो वो भी बंद कर दिए। यहाँ पर सारे रास्ते सील कर दिए लोगों के, भी वहाँ पर हॉस्पिटल के पास जहाँ पर ये जगह वगैरह तोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर इस वजह सारे रास्ते कर दिए सील। बहुत ही मुश्किल हुई, मतलब ना जाने दे रहे थे। ये था कि पंप के जो है ना उस पार खड़े हुए, बोतल कोई नहीं मिली जिसमें मैं जो है ना पेट्रोल लेकर आऊँ। तो उससे फाइनली मैंने यहाँ वहाँ से बोतल ढूंढी, मतलब बिल्कुल भिखारियों की तरह बोतल ढूंढ रहा था मैं, तो फाइनली मैं लेकर आ गया। तो पता नहीं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा अब क्या है कि मिलिट्री रोड से लेकर हीरा हॉस्पिटल तक मैं जो ना पैदल बाइक लेकर के आऊँ, बहुत सड़ी के माधर देख रहे हो। हेल्थ सेंटर पर बात की है तो वहाँ पर एक्टिव हो गया जो है ना एटीएम कार्ड, एक्टिव हो गया। अभी वहाँ पर अमाउंट निकलवा के देखते हैं कि एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा तो यार अभी मैं एटीएम के पास आ गया हूँ, अभी अपना डेबिट कार्ड इसमें डालूंगा। चलो अभी पेमेंट निकलवा के नहीं है, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं कि कितना अमाउंट पड़ा हुआ है हमारे पास। अभी हमारे पास है 10,000।
अभी यार हम आए बस अड्डे पर, बस अड्डा है पता नहीं क्या अड्डा है, ये पता नहीं कि शर्मा रहा है यार पता नहीं किस वजह से, बोला यार नहीं आऊँगा तेरे चैनल में, मेरे पता क्या नाराज़गी है, देखो कैसे छुपा लिया है खुद को। अच्छा ये वैसे है कौन, ये है साजिद सना लेडी। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय, इसका हाय ऐसे होता है। तो यार अभी ये जा रहे, मैंने बोला इसको यार रुक जा दो तीन दिन के लिए, क्या भाई, लेकिन इसको जल्दी है इंशाल्लाह मंडे में दोबारा आएगा, मंडे में इसका ब्लॉग बनाएंगे, अभी मैं थोड़ा जा रहा हूँ, ये मादर चले बस, ओके आजा मिल तो ले भाई, खड़ा हो क्या कर रहा है, आजा तेरा मुंह ढका हुआ है ना, आजा हाथ निकाल ले, चलो भाई भाई से मिलने, भाई को अलविदा कहते हैं, भाई मर नहीं जाती, चलो अभी चलते हैं, थोड़ा जरूरी काम है, प्लॉट के पास चलते हैं, आपको थोड़ा मतलब दिखा दे वहाँ पर, ब्लॉग को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। यार सॉरी टू से कि भाई हम आपको अपने प्लॉट के पास नहीं ले जा सके, वो उसका आ रहा है अगला ब्लॉग, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर इतनी बातें करूंगा कि वो ब्लॉग भी लंबा बन चुका है, इंशाल्लाह भी यार पूरा देखें, इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग आएगा और उसके बाद एक और ब्लॉग है वो भी प्लॉट पर ही था, मैं आज गया था, मतलब ये जो ब्लॉग मेरा पिछला शुरू हुआ ये है कल, जो अभी आप देख रहे हो ना ये वाला, ये कल है, आज हम जो है गए थे वहाँ पर, वो भी ब्लॉग अलग से आएगा, 3 से 4 वीडियोज है ब्लॉग जो एडिट होने पर पड़े, तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।